चलिए बात करते हैं काला ढूंगी की, जहां पर तहसील दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसडीएम अशोक जोशी शामिल हुए हैं। वहीं तहसील दिवस के मौके पर शिकायतकर्ताओं की सूची में काला ढूंगी नगर पंचायत के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड की समस्या भी प्रमुख रही। इसके अलावा वन सिंचाई संस्थान, सिंचाई विभाग, शिक्षा विभाग आदि विभागों से जुड़ी समस्याएं भी आई हैं, जिनमें कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है, तो बाकी समस्याओं के समाधान के लिए एडीएम अशोक जोशी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं एडीएम अशोक जोशी ने कालाढूंगी नगर पंचायत के ट्रेचिंग ग्राउंड के बारे में बताते हुए कहा कि कालाढूंगी एक खूबसूरत नगर है, लेकिन इस कूड़े की समस्या बनी हुई है, जल्द ही इसका भी समाधान कर दिया जाएगा। कालाढूंगी से मुकेश चिंबाल की रिपोर्ट। तहसील दिवस का आयोजन था, 16 समस्याएं इसमें थी, इसमें से अधिकतर समस्याएं स्थानीय स्तर की थी, जिसमें जैसे सिंचाई की नहर से ग्रस्त हो गई है, कुछ विद्यालय जो है वो टपक रहे हैं, तो इसमें देखिए जो चीजें हमारे स्तर से हो सकती है, जैसे बीच में हमने 116 विद्यालयों को दैवीय आपदा के अंतर्गत धनराशि दी है, कुछ हमारी भी मजबूरियां हैं कि प्राइमरी के स्तर तक के ही विद्यालय हमारे दैवीय आपदा में की जो नॉर्म्स है उसमें कवर होते हैं, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल उसमें कवर नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए दो जगहों की समस्याएं आई थी।